मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 25th एंड 26th ऑफ नवंबर दिल्ली में 2 दिन की ट्रेनिंग है, सैटरडे संडे। जो भी इंटरेस्टेड है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, इट्सी, एमेजोन, ई बे, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के सारे कंप्लायंस, ई बी आर सी, एफ आई आर सी, एडी कोड, शिपिंग बिल, इम्पोर्ट कैसे करना है अलीबाबा से, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर है। डिटेल्स सिलेबस आप मेरी वेबसाइट या नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अमेजोन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो अमेजोन ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है और एज अ सेलर आप उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ब्रांड इंफ्रिंजमेंट से परेशान हैं, आपने अमेजोन में प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, अमेजोन इंडिया में, यूएसए में, ग्लोबल मार्केट में, और दूसरे सेलर्स जो हैं वो आपके लिस्टिंग्स में मैपिंग कर लेते हैं या आपके ब्रांड के नाम से डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो बायर को डिलीवर कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए अमेजोन ने अपना एक ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम निकाला हुआ है। ये कुछ ही कंट्रीज में वैलिड है, तो यूएसए में, इंडिया में वैलिड है, और कौन सी कंट्रीज में, मैं पूरी लिस्ट इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो अमेजोन आपको ट्रांसपेरेंसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। आपका ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास यूपीसी होने चाहिए और एक दो और पॉइंट्स हैं, डिटेल्स में आगे मैं बताऊंगा। तो ये आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अमेजोन ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में, तो अमेजोन आपको एक यूनिक बार कोड प्रोवाइड करता है। वो बार कोड आप अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग में लगा सकते हैं। अगर आप सेल्फ शिप करते हैं या फिर एफबीए के थ्रू भी आप शिपिंग करते हैं, यहाँ पे भी अगर आपने वो बार कोड अपने प्रोडक्ट पे लगाया हुआ है तो एफबीए में भी अमेजोन वो प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करेगा अगर उस लिस्टिंग के अंदर उन प्रोडक्ट्स पे वो बारकोड नहीं लगा हुआ है। सेकेंडली, अगर आप सेल्फ शिप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट तो डायरेक्टली बायर के पास जाएगा, तो वहां पे बायर भी ट्रांसपेरेंसी ऐप डाउनलोड कर सकता है, इजीली अवेलेबल है, या अमेजोन की जो ऐप है उसमें भी ऑप्शन आता है, यूएसए में, इंडिया में अभी नहीं आता है। ट्रांसपेरेंसी ऐप से डायरेक्टली वो बारकोड को स्कैन करके चेक कर पाएगा बायर कि प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, तो इसको पूरी तरीके से वो वेरीफाई कर पाएगा। अमेजोन का ये अपना प्रोसेस है कि कैसे आप इसको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को हटा सकते हैं। तो इसमें आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपके पास एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, आपके पास यूपीसी होना चाहिए, तो आप भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा है, तो आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, दूसरा आपके पास जीटीएन, यूपीएससी या ईएन नंबर, इनमें से कुछ होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, एंड तीसरा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, इसके फ्रिक्वेंट आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेजोन के अंदर जाके भी आप अमेजोन ट्रांसपेरेंसी सर्च करेंगे तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए अभी करंटली ये कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में अवेलेबल है, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन कंट्रीज में अगर आप सेल करते हैं तो आप ये इनका ट्रांसपेरेंसी सिस्टम जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी अमेजोन शॉपिंग ऐप में भी स्कैन करने का ऑप्शन आता है, बट देखिए यहाँ पे इंडिया में नहीं आता है, इंडिया के अलावा अगर यूएस बायर है तो वो भी कर सकता है, नहीं तो उनको ट्रांसपेरेंसी ऐप इनकी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे और डिटेल्स दिए हुए, तो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो ये नॉर्मल से एक बार कोड रहेगा। अभी यहाँ पे चार्जेस क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कोई रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं होती है यहाँ पे, बट आप जो 1 से लेके 1 लाख तक अगर आप बार कोड्स लेते हैं, अमेजोन ट्रांसपेरेंसी में रजिस्ट्रेशन का कोई कॉस्ट नहीं होता, बट जो ये बारकोड होते हैं उसके चार्ज आपको पे करने होते हैं। तो अगर आप 1 से 10 लाख तक के बारकोड्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको पर बारकोड ये अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा, ये लगभग 4.5-5 रुपए के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये आपको इतने चार्जेस, आप जैसे जितने भी आप लेना चाहें इनिशियली, मान लीजिए आप 100 लेना चाहें, 500 लेना चाहें, तो उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। यूनिक बारकोड आपको असाइन हो जाएंगे, उनको आप प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। तो ये फोटोज में दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह का बारकोड आएगा, तो ये यूनिक बारकोड रहेगा, ये अपने प्रोडक्ट्स पे आप लगा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो बायर भी इसको स्कैन करके देखेगा, उसको पता चल जाएगा ये ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से आप काउंटरफिटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बायर्स को ओरिजिनल प्रोडक्ट ही डिलीवर हो। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय।